क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास डिवाइड 16, क्लियर है, हम लिख सकते हैं 16, रूट सिक्स को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट सिक्स हो जाएगा, एंड इसको लिख सकते हैं फोर रूट टू। तो देखिए रूट टू कैंसिल, फोर वन जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, यानी क्या हो जाएगा फोर रूट थ्री आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, 12/15 है तो लिख सकते हैं 15 को रूट फाइव इंटू रूट थ्री बाय फोर रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री खत्म, फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, देन थ्री रूट फाइव, चलिए देखिए मैंने एक पेज ऐड कर दिया, क्वेश्चन नंबर थ्री का क्या है, देखिए 18, तो 18 रूट 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू थ्री एंड 6 इंटू रूट सेवन, रूट सेवन रूट सेवन कैंसिल, 6 वन जा 6, 6 थ्री जा 18, थ्री रूट थ्री, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, अरे बहुत बच्चे क्या करते हैं यही सब क्वेश्चन लाग देते हैं सर ये कैसे सॉल्व होगा, पहले प्रैक्टिस तो कीजिए आप लोग, ला के ऐसे कॉपी ला के रख देते हैं सर ये क्वेश्चन बताइए 18√21 बाय 6√7, फिर ट्राई करोगे तब तो बनेगा, बिना ट्राई किए कैसे बनेगा। मैथ्स क्या है, याद करने की चीज़ें हैं कि इसको याद कर लीजिए बस याद हो जाएगा, नहीं मैथ्स याद करने की सब्जेक्ट नहीं है।